दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले में स्थित परम धाम खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन महीने में शुक्ल षष्ठी से 22 तक मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का गुणगान भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए जानते हैं कौन है खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच के और घटोत्कच के पुत्र वीर बब्रिक थे। वीर बब्रिक को ही बाबा खाटू श्याम जी कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। दोस्तों खाटू श्याम जी की बनने की कहानी। वीर बब्रिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। वीर बब्रिक के 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पोत्र वीर बब्रिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु के एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। वीर बब्रिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पोत्र वीर बब्रिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तब वीर बब्रिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। वीर बब्रिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था तो उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उसे पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेद तो हुआ। वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब वीर बब्रिक ने कहा कि प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने का ज्ञान दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि वीर बब्रिक प्रतिज्ञावत हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा और यदि पांडव वीर बब्रिक के सामने हारते नजर आए तो वह फिर पांडवों के साथ देगा। इस तरह से दोनों सेना को एक ही तीर में खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह वीर बब्रिक के द्वार पहुंच गए और दान मांगने लगे। फिर वीर बब्रिक ने कहा मांगो ब्राह्मण क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम नहीं दे सकोगे, लेकिन वीर बब्रिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। वीर बब्रिक ने अपने पिता पांडव की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। फिर वीर बब्रिक के इस बलिदान को देख कर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने वीर बब्रिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजने का वरदान दिया। आज वीर बब्रिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां श्री कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। दोस्तों अगर खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।